हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो राजा हैं वो जानना चाहते थे, थ्री क्वेश्चंस थे राजा के, कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है किसी काम को करने का, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है उसके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन है उसके लिए, ओके। और इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए राजा किसके पास जाते हैं, हर्मिट के पास, एक सन्यासी के पास जाते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। द किंग टर्न राउंड एंड साय बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम। अब जब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जब राजा हर्मिट के पास गए थे तो वहाँ पे वो थक गए थे और शाम हो चुकी थी, तो राजा वहीं पे रुक गए थे। अब ये वहीं से स्टार्ट है। द किंग टर्न राउंड, राजा पीछे, उन्होंने सेकंड पार्ट में, हम फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट लाइन थी हमारी, हियर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो वो दौड़ता हुआ कौन था। द किंग टर्न राउंड, जब राजा पीछे मुड़ा, साई बियर्डेड मैन, उसने एक दाढ़ी वाला आदमी देखा, रनिंग टुवार्ड्स देम, टुवार्ड्स होता तरफ, जो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने क्या किया हुआ था, अपने स्टमक को, अपने पेट को प्रेस्ड मीन दबाया हुआ था अपने हाथों से। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे क्या हो रहा था, खून बह रहा था उसके पेट से। When he reached the king, he fainted and fell down to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा, he fainted, fainted means बेहोश हो गया, fell to the ground और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing. राजा ने और हर्मिट ने क्या किया, रिमूव मीन्स उतारे, उस इंसान के कपड़े उतारे। And found a large wound in his stomach. और found means पाया, क्या पाया कि उसके स्टमक में क्या था, लार्ज वाउंड, वाउंड होता जख्म, बहुत बड़ा जख्म था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसको धोया और अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था फ्लोइंग मीन्स बहना, रुक नहीं रहा था। द किंग रिड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा ने उसको रिड्रेस मीन दोबारा से मरहम पट्टी की, जब तक कि वो जख्म था उससे खून बहना, ब्लीडिंग होना रुक नहीं गई। द मैन फेल्ट बेटर, जो मैन था वो फेल्ट बेटर मीन अच्छा महसूस कर रहा था। आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने क्या किया, कुछ पीने के लिए मांगा, आस्क फॉर होता मांगना। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, गेव इट टू हिम, राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आया, ताज़ा पानी लेके आया और गेव इट टू हिम, उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, इस टाइम तक क्या हो गया था, सूरज जो है छिप गया था और ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इन टू द हट, लेड हिम ऑन द बेड, जो राजा था वो हर्मिट की सहायता के साथ क्या कैरी होता, ले जाना उस जख्मी आदमी को, हर्मिट की सहायता से झोपड़ी के अंदर ले गया और लेड हिम ऑन द बेड, लेड होता है लिटा देना, उसको बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज, इंसान जो आदमी था वाउंडेड मैन था, उसने अपनी आँखें बंद कर ली, ले क्वाइट, और वो क्वाइट में शांति से ले मीन्स लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, जो राजा है वो बाई हिज वर्क, वो पैदल चल के आया था ना सन्यासी की झोपड़ी तक, तो उससे वो टायर्ड मीन्स थक चुका था, और द वर्क ही हैड डन, उसने दिन में काम भी किया था, उस वजह से वो थक चुका था राजा। ले डाउन ऑन द फ्लोर, इसलिए फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और सारी रात सोता रहा। वैन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्टेंस बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। When he awoke, जब राजा जागा, it was several minutes, several होता काफ़ी, उसे कई मिनट्स लगे ये जानने में, रिमेंबर में, याद रखने में कि वेर ही वॉज, कि राजा कहाँ था, वो जो स्ट्रेंज मैन था, अजीब दाढ़े वाला आदमी था जो बेड पर लेटा हुआ था, वो कौन था, ये सब सोचने समझने में राजा को काफ़ी मिनट्स लगे। Forgive me, said the bearded man in a weak voice, weak voice में कमज़ोर आवाज़ में उस bearded man ने, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से क्या कहा, Forgive me, मुझे माफ़ कर दो। When he saw the king was awake, जब उसने देखा राजा जाग गया। I do not know you and having nothing to forgive you, said the king. I don't know, मैं तुम्हें नहीं जानता और ऐसा कुछ नहीं मेरे पास, जिस ऐसा कोई रीजन नहीं जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, said the king, राजा ने कहा। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, ये बियर्डेड मैन जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा से बोल रहा है। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर वेंस ऑन यू, राजा को बोल रहा है कि आई एम एनिमी होता है दुश्मन, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने स्वॉर मीन कसम खाई थी, सेकंड फॉर्म में ये रिवेंज मीन बदला लेने की, तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने क्या किया था, मेरे भाई को क्या कर दिया था, डेथ मीन मौत की सजा दे दी थी, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को सीज्ड कर दिया था मीन्स हड़प लिया था।
आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट. अब वो पर्सन कह रहा है जो वाउंडेड मैन था कि मैं जानता था कि तुम राजा से सी मीन्स मिलना भी होता है और देखना भी होता है, कि तुम हर्मिट से मिलने अकेले आए थे. आई मेड अप माई माइंड, मेड अप माइंड मीन्स मन बना लेना, तो तभी मैंने मेरा मन बना लिया था टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जब तुम वापस घर आओगे तो रास्ते में मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, किल मीन्स मार दूंगा. बट द डे पास, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिडेंट रिटर्न, लेकिन तुम रिटर्न हो वापस लौटना, लेकिन आप वापस नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस में छुपने की जो जगह होती है, तो मैंने अपना जो छुपने की जगह थी उसको छोड़ दिया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. केम अपॉन का मीनिंग क्या होता है, सामना होना, और मेरा सामना किससे होगा, तुम्हारे बॉडी गार्ड से. हु रिकोगनाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, उन्होंने रिकोगनाइज मीन्स मुझे पहचान लिया और मुझे वाउंडेड मीन्स जख्मी कर दिया. आई एस्केप फ्रॉम हिम, एस्केप होता है बच निकलना, तो मैं वहाँ से बच निकला. एंड आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट टेस्ट माई वाउंड्स. अब वो क्या कह रहा है कि मैं मर जाता लेकिन अगर तुम मेरे जो वाउंड्स है जख्म को उनको टेस्ट में मरम पट्टी ना करती. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. अब वो पर्सन कह रहा है कि मैंने क्या विश की थी, इच्छा की थी तुम्हें मारने की, लेकिन तुमने क्या किया, मेरा जीवन बचाया. नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. तो सर्व मीन होता है सेवा करना. तो वो पर्सन राजा को कह रहा है कि अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा एक सबसे ज़्यादा वफादार सर्वेंट, नौकर के रूप में. एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉर मी, और मैं मेरे बेटे को भी ये ऑर्डर दूंगा, आदेश दूंगा ऐसा ही करने की, कि वो भी तुम्हारी सेवा करे. फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो. ये वाउंडेड मैन जो जख्मी आदमी राजा से बोल रहा है. ओके, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली. अब जो राजा थे वो बहुत खुश था टू हैव मेड पीस मीन समझौता करके अपने दुश्मन से, सो इजीली मीन इतनी आसानी से अपने दुश्मन के साथ समझौता करके जो राजा थे वो बहुत खुश था. टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने उसको अपना दोस्त भी बना लिया था. He not only forgave him but said he would send his servants. अब राजा ने ना केवल उसे माफ, फॉरगिव होता है माफ सेकंड फॉर्म में, माफ कर दिया. राजा ने ना ही केवल उसे माफ कर दिया, लेकिन उसके लिए नौकर भी भेजे. उसके साथ क्या किए, वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को भी भेजा. हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर्स को भी इसकी देखभाल के लिए भेजा. एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने भी प्रोमिस्ड भी किया उस मैन से कि वो उसे प्रॉपर्टी वापस दे देगा. लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट. लीविंग द वाउंडेड मैन मीन्स घायल व्यक्ति को, लिविंग मीन्स छोड़ना या विदाई देना. तो उस घायल व्यक्ति को विदाई देते हुए किंग वेंट टू द वेंट आउट ऑफ द हट. वापस कहाँ गए, झोपड़ी में गए. लुक डाउन फॉर द हर्मिट, लुक डाउन मीनिंग होता है ढूंढना, खोजना. और वो किसको ढूंढने लगे, हर्मिट को, सन्यासी को. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, क्योंकि जाने से पहले उनकी क्या इच्छा थी कि वो एक बार उस हर्मिट से क्या करे, अपने क्वेश्चंस के आंसर जान ले. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड. सो हर्मिट थे वो अपने घुटनों के बल बैठ कर क्या कर रहे थे, सो होता बोना, बैट्समैन क्यारियाँ, अपनी क्यारियों में बीज बो रहे थे. दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कब खोदी गई थी, एक दिन पहले. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. बैग होता मांगना. अब राजा कह रहा है कि आखिरी बार मैं आप अपने क्वेश्चन के आंसर मांग रहा हूँ आपसे. वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष या बुद्धिमान व्यक्ति. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. You have already been answered. अब जो ज्ञानी पुरुष थे, हर्मिट थे, वो क्या कह रहे कि तुम्हें ऑलरेडी आंसर दिया जा चुका, आंसर पहले दिया जा चुका है. सेट द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बैंडिंग, स्टिल मीन्स अभी भी जो झुके हुए थे, ग्राउंड मीन्स जमीन, नीचे झुके हुए थे, जमीन की तरफ देख रहे थे. लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और उन्होंने आंसर राजा की तरफ देखते हुए कहा जो उनके सामने खड़ा था. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वो कह रहे कि मुझे उत्तर कैसे मिल चुका है. व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है. अब जो हर्मिट है वो बोल रहे हैं, डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा. रिप्लाइड द हर्मिट, आंसर हर्मिट ने कहा, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे. पिटी होता है दया करना. तो अब हर्मिट कह रहा है राजा को, अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती, हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गोन अवे, और तुम चले गए होते. दैन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो ये आदमी जो है ये तुम पे अटैक कर देता. यू वुड हैव विश्ड
अटैक यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुमने क्या किया, इच्छा की तुमने तुम मेरे पास रुके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड, तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम एक क्यारिया खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, उसने बताया हरमिट ने, जब तुमने एक क्यारिया खोद रहे थे. और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था तुम्हारे लिए, मैं था. और गुड वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए काम करना तुम्हारे सबसे ज़रूरी काम था तुम्हारा उस टाइम का. आफ्टर वार्ड्स वैन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो उस टाइम तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, तुम्हारा समय क्या था, वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उस इंसान का ध्यान रख रहे थे, वो सबसे ज़रूरी समय था तुम्हारे लिए. बिकॉज If you had not dressed his wounds, अगर आप तुम उसके wounds को dress नहीं करते, means मरम पट्टी ना करते, he would have died, तो वो मर गया होता without having made peace with you, तुम्हारे साथ समझौता किए बिना. So he was the most important man, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी person कौन था, वो इंसान था. What you did for him was your most important business, और जो उसके लिए तुमने किया वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था. Remember then, there is only one time that is important. That time is now. अब यहाँ पे हरमिट ने सारा जो कंक्लूजन था, निष्कर्ष क्या निकाल के दिया, कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी टाइम क्या होता है, नाव. अब इट मीन्स जिस टाइम हम जो काम कर रहे होते हैं, उस टाइम सबसे ज़रूरी समय भी हमारे लिए वही होता है, और सबसे ज़रूरी हमारा काम भी वही होता है जो हम उस टाइम कर रहे हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव पावर टू एक्ट, क्योंकि हमारा सबसे ज़रूरी समय हमारे लिए वो क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम अगर जिस हम काम को हम कर रहे हैं उसको हम सबसे इम्पोर्टेंट समझिए, तो हम उस काम में अपनी पूरी ताकत दे सकते हैं, पूरी क्षमता से करेंगे तो हम उसे अच्छा करेंगे. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज़रूरी इंसान कौन है, जो उस टाइम कोई भी टाइम है उस टाइम जो आपके साथ है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है. For no one knows what will happen in the future, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में भविष्य में क्या होगा. Whether we will meet anyone else, क्या हम किसी इंसान से मिलेंगे या नहीं. The most important business is to do that person good, और हमारे लिए सबसे important business means सबसे ज़रूरी काम क्या है, उस पर्सन का गुड मीन्स भला करना जो उस टाइम हमारे साथ है. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि संसार में केवल हम इसी एक पर्पज के लिए भेजे गए हैं. कौन से पर्पज के लिए, इंसानों की भलाई के लिए. तो हमने देखा कि हरमेंट ने कितनी समझदारी के साथ उन राजा के क्वेश्चंस का आंसर दिया, कि जो जिस टाइम हम जो काम कर रहे होते हैं, सबसे ज़रूरी काम भी वही होता है, सबसे ज़रूरी समय भी वही होता है, ताकि हम उस टाइम अपने काम को अच्छे बेटर कर सकें, उसमें पूरा ध्यान लगाएं. और सबसे ज़रूरी पर्सन कौन बताया, जिस टाइम जो पर्सन हमारे साथ है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता कि हम दोबारा किसी से मिले या ना मिले. और उन्होंने सेकंड ये भी बताया है कि हमें इस दुनिया में भगवान ने किस लिए भेजा है, इंसानों की भलाई के लिए. ओके, टुडे योर वर्क इज़ टू रीड द चैप्टर केयरफुली. ओके.